हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। हम भी ठीक हैं। और कैसे चल रहे हैं आपके दिन? गर्मी आ गई है, थोड़ा बहुत गर्मी होने लग गई है। और आज बच्चों की है छुट्टी और बच्चे कर रहे हैं, मैंने लगा दिया काम पे। आज बज गए हैं 9 o'clock और मेरा कुछ काम नहीं है। और दिनों में मूवी देखने लग जाती हूँ 9 o'clock पे, और आज घर पे हैं बच्चे तो काम ही नहीं हुआ है। तो किस किस पेरेंट्स को लगता है कि बच्चों का रोज़ स्कूल होना चाहिए? वो बच्चे स्कूल होते हैं तो हमारा काम बहुत जल्दी निपटता है। देखो मैंने बच्चों को किस काम में लगा रखा है। ये देखो कार्तिक, आप क्या कर रहे हो? कैसी सफाई कर रहे हो? डस्टिंग। आज स्कूल जाना अच्छा लगता है घर पे सफाई करना? स्कूल जाना अच्छा लगता है। इधर को देख के बोलो, स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ क्योंकि घर में काम करना होता है ना। नहीं और दिनों आप स्कूल पहुंच जाते हो, और आज क्या कर रहे हो आप घर पे? ना नहाया है ना कुछ कराया आपने, है ना? खाली डस्टिंग कर रहे हो। ये भी मैंने काम दिया है आपको ताकि आप करो। बिजी रहो। चलो दोस्तों, मैं भी अपना काम करूं। मेरा अभी बहुत काम है, ना झाड़ू ना पोछा ना बर्तन कुछ नहीं हुआ है। तो उससे पहले मैं शुरू करती हूँ अपना काम, फिर आपसे मिलती हूँ कुछ आगे। आना चाहिए। मुझे बच्चे काम करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो कार्तिक ही काम कर रहा है, और ख़ासकर जब लड़के काम कर रहे होते तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, है ना? क्योंकि मेरा मानना है लड़कियों से ज़्यादा लड़कों को काम आना चाहिए। लड़की तो कर ही लेती है, लड़के कम करते हैं। कार्तिक ने नहा चुका है और मैंने अभी तक नहाया नहीं है, और ये आप खाने चीजी मांगने लग गया है। मेरा प्लीज। काम ही नहीं निपट रहा है। जब तक इनके स्कूल होते हैं तो बहुत जल्दी काम निपट जाते हैं, स्कूल नहीं होते तो मेरे काम ही नहीं निपटते। बहुत जल्दी हो जाता है। इनको स्कूल जाना चाहिए डेली। मैं तो कहूँ संडे को भी बुला लो आधे दिन के लिए। खा पी के हम फ्री हो गए हैं। कार्तिक खेलने लग गया गेम। कौन सा गेम है कार्तिक? डार्टबोर्ड। डार्टबोर्ड कार्तिक खेल रहा है। देखो 140 तो मैं सोच रही हूँ कुछ काम ये करना, मेरा प्रोग्राम करना, इसके बाद बच्चों को ले जाने का टाइम हो जाता है, मेरा है। तो इसलिए 90 चार चार इसलिए हम चले जाएंगे। अरे ये कहाँ से आ गया? कार्तिक के दांत कैसे टूटा? हम गए बुक्स लेने। बुक्स लेने के लिए गए थे और वहाँ बहुत भीड़ उड़ थी शॉप में, तो हमने कहा चलो वेट करते हैं बाहर। तब तक कार्तिक के खेल करने लग गया। हमने बुक ली, आ गए हम आ गए हैं घर पे। बच्चे खेल के आ गए हैं घर पे। अब हम जो बच्चों ने पी लिया दूध। कार्तिक क्या चला रहा है? कार्तिक क्या चला रहा है तू? कार्तिक की कार देखो कहाँ चल रही है। ये देखो कार्तिक की कार। मजे आ रहे हैं आपको अपनी कार चलाने में? अब करते हैं रात के खाने की तैयारी। अब हम आप ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। बाय। लाइक।